हाय एवरीवन। देखिए, आज का जो क्लास है उसी से आगे फीटर टू के लिए प्रैक्टिस सेट है। 150 151 तक प्रैक्टिस करा दिया गया था। 152 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या होता है, किसी लैपिंग टूल का क्या पर्पज है, वो भी जो फिगर में दिया हुआ है उस लैपिंग टूल का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, ये बताना है। पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो दिया हुआ है आंतरिक सतह के लिए लैपिंग टूल, ऑप्शन नंबर तीसरा है बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल, ऑप्शन नंबर चौथा है आंतरिक बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग उपकरण। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देखिए जो टूल है इसे लैपिंग टूल के नाम से जानते हैं। लैपिंग क्या होती है? जब कोई सतह जैसे अपघर्षक आदि से फिनिशिंग करने के बाद सतह पूर्ण रूप से फिनिश नहीं हो पाती, उसमें छोटे छोटे रंध्र रह जाते हैं, उसे फिनिश करने के लिए लैपिंग या होनिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसमें जो है किसी भी धातु की सतह को परिष्कृत किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार के वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को एस्टेनाइड में 723 डिग्री के बाद बदलता है? तो वो कौन सा वो तापमान क्या कहलाता है, उस तापमान का क्या नाम है? पहला दिया हुआ लोअर क्रिटिकल तापमान, दूसरा है अपर क्रिटिकल तापमान, और तीसरा है मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग तापमान के नाम से जानते हैं, चौथा है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में दो होता है, एक होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जो सास इसमें दिया हुआ है 723 के बाद बदलता है, तो लोअर क्रिटिकल तापमान में एस्टेनाइड में जो इसका स्ट्रक्चर होता है 723 डिग्री के बाद ही बदलता है, उसे लोअर क्रिटिकल तापमान के नाम से जानते हैं। अब देखिए लोअर क्रिटिकल तापमान क्या होता है? यह किसी भी धातु का वह तापमान होता है जो या जिस तापमान पर वह धातु जो है उसके धातु के आंतरिक संरचनाएं जितनी भी होती हैं सभी बदलने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद यह आंतरिक संरचना बदलना बंद हो जाती है, ताप बढ़ता जाता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि ये इसके आंतरिक संरचना में जितनी भी बदलाव हो रहे हैं वो सब बंद हो जाते हैं। तो जिस तापमान पर आंतरिक संरचनाएं स्थिर हो जाती हैं उस तापमान को अपर क्रिटिकल तापमान कहते हैं, और जिस तापमान पर आंतरिक संरचनाएं बदलना शुरू होती हैं उस तापमान को लोअर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है 154 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब छोटे कण होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निम्न में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पहले गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, और ऐसा करने से उसके ग्रे उसके जो संरचनाएं होती है उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें परिवर्तन होता है और वह जाब जो है मशीन योग्य हो जाता है। अर्थात मशीनित योग्य का ये मतलब है कि उस पर मशीन से कार्य करने योग्य हो जाता है, टूटता नहीं है, दो खंडों में विभाजित नहीं होता है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनीलिंग। एनीलिंग वही प्रक्रिया है जो धातु को मशीन योग्य बनाती है। जब किसी भी धातु की हार्डनिंग की जाती है तो उसमें भंगुरता के गुण आ जाते हैं। भंगुरता के गुण का मतलब ये है कि उसे जरा सा भी यदि उसपे चोट मारा जाए तो दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं, उसे ही भंगुरता कहते हैं। तो एनीलिंग हो जाएगा, एनीलिंग को ही धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। उसके बाद है हार्डनिंग।
हार्डनिंग क्या होता है ये भी जान लीजिए। किसी भी धातु को घिसने से बचाने के लिए हार्डनिंग की प्रक्रिया की जाती है, और हार्डनिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है, इसके क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक तापमान तक गर्म करके इसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, इसलिए हार्ड हो जाती है और इसमें भंगुरता के गुण भी आ जाते हैं। टेम्परिंग क्या होता है, हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग की प्रक्रिया है। हार्डनिंग करने के बाद किसी भी धातु को टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग अर्थात उसमें चिमड़ापन गुण लाने के लिए, टफनेस का गुण लाने के लिए टेम्परिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है, 30 से 50 डिग्री क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक और अधिक गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद इस तरह से यदि कोई जाब है तो इसके सिर्फ आधे भाग को ही, सिर्फ इतना भाग, इस भाग को पानी में डालते हैं। थोड़ी देर पानी में डालने के बाद बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद जो इधर की ऊष्मा है ये अवशोषित करता रहता है। फिर देखते हैं कुछ समय के ही बाद पूरे जाब का तापमान जो है समान हो जाता है। इस तरह से टेम्परिंग की प्रक्रिया की जाती है। सिर्फ आधे भाग को ही ठंडा किया जाता है, आधा भाग ऊपर उसी तरह से संडासी से पकड़े रहते हैं, आधे भाग को ठंडा कर देते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है टेम्परिंग के अंतर्गत आती है। अगला है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु की आंतरिक विकृति जितनी उत्पन्न हो गई है या जो विकृति हो गई है उसे दूर करने के लिए, उसे नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया जो है क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री तक अधिक तक गर्म करते हैं जाब को, उसके बाद इसे हवा में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यह नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला 155 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम बताइए। ये सभी स्टील के नाम है, फेराइट, आस्टेनाइट, मार्टेसाइड, पियरलाइट, ये सभी स्टील के नाम है। ऐसी एक नई संरचना बनाने के लिए जो तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का क्या नाम है, जो तेजी से ठंडा हो जाता, तो तेजी से ठंडा होने वाले स्टील का नाम है मार्टेसाइट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्टेसाइट। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है काटने की क्षमता जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील को घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया। देखिए, टेम्परिंग में क्या होता है, किसी भी जाब को टफनेस के गुण लाने के लिए टेम्परिंग की प्रक्रिया की जाती है। एनीलिंग, किसी भी जाब को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए एनीलिंग प्रक्रिया उपयोग की जाती है। नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत किसी भी जाब के आंतरिक संरचनाओं में हुए परिवर्तन या फिर उसमें उत्पन्न विकृति को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। हार्डनिंग, किसी भी धातु को हार्ड अर्थात घिसने, कटने आदि को जो है बढ़ाने के लिए, या फिर काटने की क्षमता जोड़ने अर्थात ये काटने की इसमें क्षमता आ जाए, हार्ड हो जाए, इस प्रक्रिया को हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हार्डनिंग। अगला देखिए, चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है। तो अभी बताएं, भंगुरता का गुण दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये आपको बताना है। इस तरह से देखिए,
टेम्परिंग की जाती है, अभी बताया गया था पीछे। तो टफनेस का गुण मतलब चिमड़ापन, और इसमें चरम भंगुरता को दूर करने मतलब जब बहुत अधिक भंगुरता हो उसे दूर करने के लिए टेम्परिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेम्परिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, 158 नंबर क्वेश्चन है, स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है। अब देखिए, स्टील को जो गर्म किया जाता है वे तीन चरण में इसे जो है फिर गर्म करके ठंडा किया जाता है। पहला जो गर्म करते हैं उसे, पहली बार जो उसे टेम्परेचर देते हैं गर्म करते हैं उसे हीटिंग के नाम से जानते हैं, अर्थात उसे गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं। उसके बाद उसी टेम्परेचर में कुछ समय के लिए रखने की जो प्रक्रिया है उसे सोकिंग के नाम से जानते हैं या उसे सोकिंग कहते हैं। इसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है क्वेचिंग। तो हीट ट्रीटमेंट कहने करने से पहले पहले जाब को गर्म करते हैं, जब जाब को गर्म करते हैं उसे गर्म करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम होता है हीटिंग। हीटिंग के बाद उसी टेम्परेचर पर कुछ समय तक रखते हैं एक समान टेम्परेचर पर, उसे सोकिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, कुछ समय तक जब एक समान टेम्परेचर पर रख लेते हैं उसके बाद फिर ठंडा करते हैं। ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है क्वेचिंग। इसमें दिया हुआ है स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया तो हो जाएगी सोकिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, उष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी तेल हवा आदि का क्या उद्देश्य होता है। मतलब जब हम किसी उष्मा उपचार किसी भी जाप का करते हैं तो उसमें ये ब्राइन सॉल्यूशन पानी तेल हवा का क्या उद्देश्य है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किस प्रक्रिया के लिए करते हैं। तो इसे ठंडा करने के लिए करते हैं। ठंडा करने की जो प्रक्रिया है इसे क्वेचिंग के नाम से जानते हैं, अभी पीछे बताया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वेचिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वेचिंग। सोकिंग प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया में किसी भी जाब को एक समान टेम्परेचर में किसी विशेष समय के लिए या कुछ समय के लिए रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 160 नंबर क्वेश्चन, विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। जो विशेष प्रकार की मिश्र धातुएं हैं अर्थात जो कई धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे ही मिश्र धातु कहते हैं, उच्च इस्पात के लिए कौन सा क्वेचिंग मीडिया ब्राइन सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, पानी तेल या ठंडी हवा। जो मिश्र धातु होती है उसमें मैक्सिमम ठंडी हवा का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठंडी हवा। अगला देखिए, 161 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा उपचार प्रक्रिया का क्या नाम है। 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान तक कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करते हैं, इस प्रक्रिया का क्या नाम है ये आपको बताना है। ये पीछे भी क्वेश्चन बताया जा चुका है तो इसको बताइए, इस प्रक्रिया का क्या नाम है। इस प्रक्रिया का नाम है टेम्परिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेम्परिंग। अगला देखिए, एनीलिंग का क्या फायदा है।
एनीलिंग का क्या फायदा है? आंतरिक तनाव को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, काटने की क्षमता को जोड़ना। तो काटने की क्षमता जोड़ने का मतलब है हार्डनिंग से है, आंतरिक तनाव को दूर करना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंतरिक तनाव को दूर करना। जब आंतरिक तनाव दूर होते हैं तभी ना भंगुरता के गुण खत्म होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया था स्टील की ग्रे संरचना परिष्कृत करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उसका, एनीलिंग। अगला देखिए, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो स्टील घटक होते हैं उसके आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला दिया हुआ है स्टील की एनीलिंग, दूसरा है स्टील की नॉर्मलाइजिंग, तीसरा है कठोरीकृत इस्पात, चौथा टेम्परिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टील की नॉर्मलाइजिंग। इससे जो भी उसके आंतरिक दोष होते हैं वे सभी दूर हो जाते हैं, जैसे विकृति हुआ, अन्य कोई दोष हुआ, सभी दूर हो जाते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोशना ये हल्के टार्क देना चाहिए था, हल्के या कम, हल्के टार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जो लाइट टार्क है मतलब हल्के टार्क के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है सैडल की, ऑप्शन नंबर ए है सैडल की, ऑप्शन नंबर बी है उड्रफ की, ऑप्शन नंबर सी है जिब हेड की, इसका नाम जिब हेड की है, जीब हेड की, ऑप्शन नंबर डी है फेदर की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड्रफ की। उड्रफ की का इस्तेमाल हल्के कार्यों के लिए करते हैं। आगे देखिए 155 नंबर क्वेश्चन, स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं, जो इसके गुण है ये किसके द्वारा प्रभावित किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बाय हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हार्डनिंग के द्वारा ये सभी प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात चिमड़ापन खत्म हो जाता है और यांत्रिक गुण जैसे स्ट्रेन खत्म होता है, डक्टिलिटी के गुण खत्म हो जाते हैं, इसमें भंगुरता के गुण आ जाते हैं, तो हार्डनिंग के द्वारा ही भंगुरता के गुण आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस बियरिंग की उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है या उष्मीय चालकता कम होती है? पहला दिया हो नायलॉन, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा है सिंटर्ड अलॉय, चौथा है लेमिनेटेड फेनोलिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेमिनेटेड फेनोलिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर, बाल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप्स वाले बाल रेसेस का उद्देश्य क्या है? पहला है झटके झेलने के लिए, दूसरा है जर्नल लोड ले जाने के लिए, तीसरा है अच्छे थ्रस्ट का सामना करने के लिए, चौथा है रेडियल लोड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अच्छे थ्रस्ट का सामना करने के लिए, इसमें जो गहरे ग्रुप्स होते हैं उनका वही उपयोग होता है। आगे देखिएगा, आगे है डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अच्छे भार लेने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है रेडियल लोड के लिए, ऑप्शन नंबर सी है भारी अच्छे भार के लिए, ऑप्शन नंबर डी है भारी रेडियल भार के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारी रेडियल भार के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला है, क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? पहला दिया हुआ है प्रिवेंट्स शाफ्ट ऑफ सीजर, दूसरा है प्रिवेंट डैमेज टू बियरिंग, तीसरा है अलाउ द बियरिंग टू रन इफिशियंटली, चौथा उधर है। तो ये देखिएगा, इसका पहला हो जाएगा प्रिवेंट शाफ्ट के लिए, पहला हो जाएगा प्रिवेंट शाफ्ट सीजर के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला 170 नंबर क्वेश्चन है, इस वाशर का क्या नाम है जो फिगर में दिख रहा है, इस वाशर का क्या नाम है, इस वाशर का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक प्रकार का वाशर, ऑप्शन नंबर बी है बाहरी प्रकार का वाशर, ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक और बाहरी वाशर, ऑप्शन नंबर डी है काउंटर संक वाशर। तो वाशर के बारे में पूरा डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंतरिक और बाहरी वाशर। देखिए आंतरिक और बाहरी वाशर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।